महाप्लान। उन्नीस जुलाई को होगा धोनी पर धमाकेदार ऐलान। कोच के पद को लेकर भी उठ रहा है टीम में तूफान। वेस्टइंडीज दौरे के बाद नए सपोर्ट स्टाफ के हाथ में होगी टीम की कमान। माही और रवि भाई, किसकी पहले विदाई। कहते हैं हर सफर की अपनी एक मंजिल होती है और हर मंजिल पर पहुंचने वाले का अपना एक मुकाम होता है। अब हम बात भारतीय टीम की करें। भारतीय टीम का सफर साल 2019 में मंजिल तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस टीम से जुड़े कई ऐसे चेहरे थे जिनका अपना एक मुकाम था इस वर्ल्ड कप से पहले, और अब वो उस मंजिल तक पहुंच गए हैं जहां से उन पर अब सवाल खड़े किए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के करियर की, साथ ही बात कर रहे हैं कोच रवि शास्त्री का क्या होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप तक था, उसके बाद अब उनके करियर में का जो ग्राफ है वो आगे कैसे जाएगा, इस पर आगे बातचीत करेंगे। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की अब टीम में क्या कुछ जरूरत रह गई है और क्या वो साल 2020 वर्ल्ड कप तक अपने आप को टीम में देख पाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ अंशुमन गायकवाड़ जी हैं, पूर्व कोच और पूर्व सेलेक्टर। हमारे साथ निखिल चोपड़ा जी हैं, पूर्व खिलाड़ी। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी हैं हमारे साथ, विराट कोहली के कोच। साथ ही रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से, और इनसे हम आज उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खासतौर से ये तीन इंपॉर्टेंट सवाल आप अपने सामने देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तीन इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इनकी जगह 2020 वर्ल्ड कप तक टीम में बनती है, क्या विराट कोहली की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो आगे इस वर्ल्ड कप के बाद फिट बैठते हैं, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि क्या खुद महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को फिट देखते हैं इस युवा टीम में। इसके अलावा रवि शास्त्री के ऊपर भी आगे कई तरह के सवाल है, खासतौर से वर्ल्ड कप में जो स्ट्रेटेजी उन्होंने सेमीफाइनल मैच को लेकर बनाई उसको लेकर भी कई तरह के सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर क्या हुआ महेंद्र सिंह धोनी का इस वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी का सफर किस मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगा वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली टीम इंडिया को हार, फिर माही के संन्यास का मचा हुआ है हाहाकार। कभी धीमी पारी, कभी कम रन औसत, कभी स्लो स्ट्राइक रेट और कभी कम रन बनाने की वजह से धोनी की काफी आलोचना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या माही क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे, क्योंकि टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंची और धोनी के प्रदर्शन पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं। अब 38 के हो चुके माही की फॉर्म पर सवाल, लेकिन फिटनेस पर नहीं। विकेट के पीछे अभी वो उतने ही तेज है जैसे वो पहले थे, लेकिन जैसे ही माही के हाथों में बल्ला आता है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। माही ने देश को वो सब दिया जो किसी भी कप्तान का सपना होता है। धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके नाम आईसीसी की तीनों ट्रॉफी। एक ऐसे खिलाड़ी से फैंस को यही उम्मीद होगी कि वो जब भी क्रिकेट की पिच को अलविदा कहे वो जमीन भी भारतीय हो और फैंस का हुजूम भी भारतीय। राहुल कादिया, इंडिया। क्या महेंद्र सिंह धोनी उस मंजिल पर पहुंच गए जहां से वो अब दूसरे को बैटन पकड़ा सके, ये बड़ा सवाल है। और सीधा अंशु जी सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं। इस वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम को तो मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन क्या वो उस मंजिल तक पर है जहां से वो बैटन आगे पकड़ा है, क्योंकि आगे 2020 वर्ल्ड कप है, हर किसी के जहन में है ये टूर्नामेंट। आपको लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी के सामने आइडियल इस समय सिचुएशन है कि वो बैटन पकड़ाए? मेरे ख्याल से जब तक वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते टीम के लिए तो वो खुद ब खुद
जैसे उन्होंने पहले भी कह रहे कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, वनडे नहीं खेलूंगा, T20 नहीं खेलूंगा, खुद ने डिसीजन लिया। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हैं, हम लोग डिबेट करें इसके ऊपर। मैं तो समझता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी को खुद पे छोड़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूं उनको और उनकी जो इंटीग्रिटी है प्लेयर के नाते, कप्तान के नाते, और इतने साल जो क्रिकेट खेले, जिस तरह से क्रिकेट खेले राजीव, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद बे खुद अनाउंस कर देंगे कि बस हो गया, मेरे को, मैं लायबिलिटी नहीं बनना चाहता हूं टीम में, क्योंकि मेरे को टीम को जिताना है। जब तक मेरे में वो दम था टीम को जिताने का, तब तक मैं खेलते रहा, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, और निखिल जो अंशु जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि एक खिलाड़ी को खुद पता होता है कि अब वो उस मंजिल पे है, उस मुकाम पे पहुंच गए जहां से वो बहुत शान के साथ अपना बैटन दे सकते हैं, क्योंकि वो मायूसी बहुत कम देखने को मिलती है। जो महेंद्र सिंह धोनी के सेमीफाइनल मैच में जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे थे, वो उनका चेहरा बता रहा था कि वो कितने निराश है। ये निराशा क्या डिसीजन में तब्दील होगी आपको लग रहा है? क्योंकि सोचने के लिए हर इंसान को समय चाहिए, पर्टिकुलर बैटिंग प्रोस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अगर बॉल को उस तरह से नहीं हिट कर पा रहे हैं जिस तरह की उनकी पहचान है, आपको लग रहा है क्या चल रहा होगा इस समय? जी जरूर, ये मतलब दुर्भाग्य है कि हर चैंपियन खिलाड़ी का एक, जिस तरीके से आपने कहा कि एक सफर का अंत होता है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, हम सब चाहते थे कि समय के साथ ये खेलते रहे, बट समय की घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है। अब महेंद्र सिंह धोनी T20 का विश्व कप की आप जो बात कर रहे हैं, खेलेंगे तो कहाँ पे खेलेंगे, फिट भी है, जिस तरीके से उनका करियर रहा है, शानदार करियर, पर मैं उनको जितना जानता हूँ या जितना पढ़ता हूँ, वो एक ऐसा खिलाड़ी है, संन्यास लेंगे, सबके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए क्यों, ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कब, लोग इंतजार नहीं करेंगे उनका संन्यास लेने का, लोग सवाल पूछेंगे आपने अभी क्यों लिया। जिस तरीके से सर ने भी कहा कि वो फिट है, योगदान दे सकते हैं, पर मैं मानता हूँ कि समय आ गया, वो समझते हैं कि आगे आने वाले समय में दे सकते हैं और देंगे, ये दे देंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही दे देंगे, क्योंकि वो विश्व कप T20 मुकाबला जो होगा वहां तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और रश्मा जी आपको लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे दोहराए पे आगे खड़े हो गए हैं जहां से एक रास्ता उनको T20 वर्ल्ड कप की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है, एक रास्ता उनको रांची उनके घर की तरफ ले जा रहा है, किस तरफ पैर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए राजीव, जैसा अंशु जी ने कहा था, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि उन्होंने सब कुछ अचीव किया भारत के लिए, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका इस देश के लिए कि किसी को भी हक नहीं है कि उनसे कहे कि आप छोड़ दीजिए। अब ये फैसला उनका अपना होना चाहिए कि वो कब ये मैदान छोड़ना चाहते हैं। आपको निखिल नहीं लग रहा कि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं, एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, एज ए फिनिशर, ये भी एक एग्जाम्पल सेट करने का टाइम है? क्योंकि इंडियन क्रिकेट में बहुत रेयर ऐसे मौके हैं जब किसी ने ग्रेसफुल एग्जिट लिया हो, बहुत रेयर ऐसे मोमेंट है। आपको लग रहा है ये मोमेंट महेंद्र सिंह धोनी चाहेंगे कि हमारे नाम हो? शायद बड़ा मौका होता जब वर्ल्ड कप फाइनल अगर हिंदुस्तान खेलता, नहीं हुआ तो शायद आपको लग रहा है ये बेस्ट मोमेंट है? सब जानते हैं कि कितना वो खिलाड़ी बाकियों के बारे में सोचता है, उस लिहाज से मैं यही कह रहा हूँ। आपको याद होगा जब सौरभ गांगुली संन्यास ले रहे थे तो आखिरी एक सेशन उन्होंने उनसे कप्तानी कराई थी जी। क्योंकि इतना बढ़िया कप्तान उनसे पहले सौरभ गांगुली रह चुके थे, तो ये फर्क है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान बने, वो समझते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए। ये एक बड़ा कठिन एक निर्णय है, और जो मायूसी की आप बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल मुकाबला जिता के जाते, फाइनल खेलते तो उसी दिन कर देते, अब कहीं ना कहीं वो सवाल जो दिमाग में उनके चल रहा होगा, वो विश्व कप खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि वो निर्णय लिया जाएगा जी। अंशु जी, राजीव थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, निखिल ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको रिटायर होना तो ग्रेसफुली रिटायर हो, जब लोग बोलेंगे नहीं आप खेलो और खेलो, आपकी जरूरत है, तब आप कहेंगे कि नहीं बस हो गया। मगर ये फैसला लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। रितेंद्र सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। रितेंद्र, बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, या हम कहें इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे शख्सियत पे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, और हम सब ये चाहते हैं कि एक सम्मानजनक विदाई उनको मिले अगर वो क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं। कोई फोर्सफुली नहीं है, या हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ें, उनका खुद का जिस दिन मन हो वो करें, लेकिन बहुत ग्रेसफुल तरीके से हो। किस तरह आप देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि अगली जो बड़ी मंजिल है इंडियन क्रिकेट के लिए वो है 2020 का वर्ल्ड कप, क्या आप उनको फिट देखते हैं वहां पर?
जी हाँ राजीव, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है जिनका नाम इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दो वर्ल्ड कप इस लड़के ने जिताए हैं, शानदार कप्तानी की है, ही हैज बीन द बेस्ट फिनिशर इन वर्ल्ड क्रिकेट, जिस तरह इन्होंने भारतीय टीम को मैच जिताए हैं। लेकिन हर अच्छी चीज कहीं ना कहीं उसका समय भी आता है और अब ऐसा लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी, देखिए एज फैक्टर तो है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्लास की हम बात करते थे, बेस्ट फिनिशिंग टच जो उनमें था वो अब शायद नहीं है। कोशिश जरूर दिख रही है लेकिन वो कोशिश परिणामों में नहीं परिवर्तन हो रही है, तो यहाँ पे अब तो कॉल लेना होगा, समय आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी कुछ दिनों में हो सकता है एक बड़ा फैसला लें और ये फैसला भारतीय क्रिकेट के हित में बहुत अच्छा होगा। और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम मैन है, अपनी टीम के लिए सोचते हैं और वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारतीय टीम का कभी भी कोई नुकसान हो। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि अगर फैसला आता है तो कब आता है, अगर नहीं भी आता है तो अगली जो सिलेक्शन है उसमें सिलेक्टर्स किस तरह महेंद्र सिंह धोनी को कंसिडर करते हैं। निखिल, कुछ आप बड़ा दिल से कहना चाहते तो आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कहना यही चाहता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि अभी दक्षिण अफ्रीका भारत आ रही है तो वो श्रृंखला क्यों ना, अगर महेंद्र सिंह धोनी सोच रहे हैं संन्यास के लिए, अगर वो बीसीसीआई से बात कर रहे हैं, क्यों ना वो पूरी श्रृंखला महेंद्र सिंह धोनी याद में उनके संन्यास के लिए हो। जिस तरीके से हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हम नहीं चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज के दौरे पे वो संन्यास लें, भारत में हजारों लोगों के सामने संन्यास लें, परिवार के सामने, अपने देश में। आप कह रहे हैं जो काम सचिन के लिए हुआ वो काम धोनी के लिए भी होगा। जरूर, क्योंकि इस खिलाड़ी ने आपको सभी कुछ हासिल करके दिया। बिल्कुल, और हमेशा कहते हैं कि दिल और दिमाग की लड़ाई होती है जब आप रिटायरमेंट अपना अनाउंस करते हैं, क्योंकि दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है और अंत में आपको ये खुद से ही सोचना पड़ता है कि आप क्या कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए दे पाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रवि शास्त्री इन दिनों एक ऐसी जगह पे जाके खड़े हो गए जहां से अब ना तो कप्तान उनको शायद बैक कर पाएंगे और ना ही आने वाला नया बोर्ड, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्रीज से कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, कमेंट्री बॉक्स से वापस कोच के पद पे आए रवि शास्त्री का भविष्य आखिर क्या होने वाला है। एक बात तो तय है कि साल 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारने के बाद कोई सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है तो वो है रवि शास्त्री। तो आइए आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि रवि शास्त्री ने साल 2019 वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बाद ऐसा क्या कुछ किया जिसकी वजह से एक बड़ा खेमा रवि शास्त्री के खिलाफ लग गया। टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्या हारी, बीसीसीआई ने टीम में लगा दी है नौकरियों की बारी। न कोच रवि शास्त्री बने रहेंगे न उनका कोई चहेता, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के लिए नई वैकेंसी मंगाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कोच पद पर रवि और उनकी टीम वेस्टइंडीज दौरे तक बनी रहेगी। वेस्टइंडीज के 3 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाले दौरे के कारण इनका कार्यकाल वर्ल्ड कप के बाद 45 दिन तक बढ़ाया गया। सिर्फ वर्ल्ड कप हार को छोड़ दिया जाए तो बतौर कोच रवि और उनकी टीम का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा, लेकिन क्या वो आने वाले वक्त में भी इसी तरह अपनी कुर्सी संभाले रखेंगे, क्योंकि टीम के सभी पदों पर बीसीसीआई ने आवेदन मंगाए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई शाम 5 बजे तक, और इन वैकेंसियों में हेड कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर का पद भी शामिल है। ऐसे में क्या कोहली के रवि भाई अपनी विदाई रोक पाएंगे, क्योंकि वो भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ टीम के साथ उनके आंकड़े भी शानदार रहे, फिर चाहे वो टेस्ट की बात हो, वनडे की या फिर T20। अब तो सबसे पहले वेस्टइंडीज दौरे का इंतजार है और उसी बीच ये भी साफ हो जाएगा कि उसके बाद रवि शास्त्री कोच की भूमिका में दिखेंगे या फिर कमेंटेटर। राहुल गादिया, इंडिया न्यूज। अब हम बात कोच रवि शास्त्री के यहाँ पर कर रहे हैं, और निखिल बतौर कोच रवि शास्त्री ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और उनका क्रिकेटिंग करियर जितना उतार चढ़ाव रहा है एज अ क्रिकेटर उतना ही शायद एज अ कोच रहा, कितना डिफिकल्ट आप देख रहे हैं यहाँ से रास्ता रवि शास्त्री के लिए? देखिए कितना कठिन है ये तो अगर एक खिलाड़ी या एक पुराने शख्सियत को अगर लगाव है अपनी कुर्सी से, अपने पद से, तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि हर बोर्ड यही चाहता है राजीव भाई कि 4 साल अगर आप विश्व कप नहीं जीतते तो आपको 4 साल मिलते हैं, नया कोच आता है, नया कप्तान आता है, उसको मौका दिया जाता है तैयारी के लिए,
टीम खड़ी करे, उनके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी किस रोल में होगा, किस किरदार में। अब विश्व कप अब आप नहीं जीते तो लाजमी सी बात है कि आपको रास्ता देना होगा किसी और को मौका क्योंकि आप चाहते हैं अंत में किसका भला हो, भारतीय टीम का, भारतीय क्रिकेट का। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल निर्णय होगा, बट इन चार साल में जब तक वो कोच थे भारतीय टीम ने बहुत कुछ हासिल भी किया, उपलब्धियां भी थी, लेकिन उनको टीम में कोच क्यों बनाया था, ताकि विश्व कप जीत सके, विश्व विजेता कहला सके भारतीय टीम। लेकिन अब जो है वो नहीं हो पाया तो आगे किसी और को रास्ता दिखाना। आपकी बात से सहमत नहीं है लग रहा है? मुझे लगता है कि जब जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा भारतीय टीम का पिछले 2-3 साल में, देखें जिस तरह के अचीवमेंट्स रहे, और वो कुछ हुआ जो कि पहले इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं होता था कि हम ओवरसीज जाकर जीते, तो इस कोच ने वो कॉन्फिडेंस दिया टीम को कि अक्सर ऐसा नहीं होता था कि हम ओवरसीज जाके इतना अच्छा क्रिकेट खेलें, एक दो सीरीज जरूर हम जीते, ऐसा नहीं कि पहले नहीं जीते, लेकिन अब ये इस टीम में वो एक कॉन्फिडेंस अलग नजर आ रहा था कि हम ओवरसीज में जाकर भी जीत सकते हैं। और जहां तक वर्ल्ड कप की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पे भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा भारतीय टीम का, हमने लीग स्टेज में टॉप किया, और एक अनफॉर्चुनेट डे, एक खराब दिन किसी का भी हो सकता है, आप उसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते कि कोच खराब है या कप्तान खराब है या भारतीय टीम खराब है। राजू भाई आप गलत, हम ये नहीं कह रहे कि कप्तान खराब है या कोच खराब है, खराबी किसी में नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कप्तानी विराट को इसलिए दी थी क्योंकि उनको वो भविष्य नजर आ रहा था कि वो जिम्मेदारी विराट ही वो अपने कंधों पे लेके चल सकता है, भारतीय टीम को विश्व विजेता बना सकता है। हम ये नहीं कह रहे कोई खराब नहीं है, पर ये बात हो रही है कोच की, प्रोसेस की, आप कितना समय उनके साथ लेके चल रहे हैं, आप विश्व कप नहीं जीते, ये तो एक सोच आपकी चली रही है। तो आपको लगता है कि विराट चाह के भी ये जुगलबंदी बचा नहीं पाएंगे अगर वो चाहते हैं तो? देखिए अगर हो सकता है तो क्यों नहीं, ये सोच की बात है आपकी, पर बहुत सारे सवालों के फिर जवाब भी दिए जाएंगे। उन्होंने काम भारतीय टीम के लिए बहुत बढ़िया किया पिछले 4 साल में, गलत मत समझिएगा, लेकिन सबसे जरूरी जो हर 4 साल में आपको मौका मिलता है काहे के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए। राजकुमार सर की माने तो कह रहे हैं 4 साल और दिया जाए, विश्वास 4 साल और दिए जाए या नहीं दिए जाए, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जितना शानदार काम किया है अगर वर्ल्ड कप वो नहीं जीता पाए तो आप उनको सैक कर देंगे? ये तो बड़े शुक्र मनाइए, 4 साल है तो एक सीरीज हारने पर अंशु सर पूछे वो गलत आ जाते, लाइट में वो एक गलत ट्रेंड था ना राजीव, उनको उस ट्रेंड को ठीक किया है बीसीसीआई ने, और मुझे लगता है कि अभी शानदार काम किया है इस बोर्डी ने। रवि शास्त्री से पहले भी कोचेज रह चुके हैं भारतीय टीम में, अगर हम सब जानते हैं कि रवि शास्त्री ने आके एक बहुत सकारात्मक ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाया, भारतीय टीम ने शानदार काम करके दिया है, क्या पता जो अगला आएगा वो उनसे बेहतर करके जाएगा, और अगर बाय चांस ना कर पाए तो फिर तो अगर आप तो फिर यही कह रहे हैं कि गाड़ी चलाएंगे इस भीड़ में, गाड़ी चलाना ठीक नहीं है ठुक जाएगी, नहीं नहीं एक चलाएंगे तो आप रास्ते के अपने खुद बता सकते हैं। इस टीम की जो बॉन्डिंग है, जो एक टीम ये बिल्ड हुई है पिछले 2 सालों में, एक बेहतरीन टीम है, ये वर्ल्ड बीटर टीम है, आप एक मैच हार गए आप उससे कहेंगे आप कोच को हटा दीजिए, नहीं नहीं आप गलत चल रहे हो, कोच को हटाने की बात नहीं हो रही है, एक मैच से नहीं हटा सकते हैं निखिल, आप इतना शानदार प्रदर्शन पिछले 2 साल से देखिए कि किस तरह इस टीम को बिल्ड किया गया, कितना कॉन्फिडेंस दिया गया और क्या सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ। ऐसी बात राजकुमार जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम अच्छा किया था तो 5 साल और दे दिया जाए, पूरे देश ने दिया, देश ने दिया उनको 5 साल, आप मानते हैं कि देना चाहिए 4 साल और? आप राजीव मेरे को बात करने दोगे? जी सर, दोनों ने बहुत बात कर ली जी, ठीक है ना जी। आप वर्ल्ड कप एक ही टूर्नामेंट समझते हो, जो क्रिकेट है वो वर्ल्ड कप ही है पूरे देश में, वही टेस्ट क्रिकेट है जी, बाकी बहुत बहुत कुछ क्रिकेट है, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है टीम का? अच्छा रहा है, हमारे यहाँ बल्कि बेटर देन एवरेज, ऑस्ट्रेलिया की जगह सारे जगह हारे टेस्ट सीरीज, एक पहली बात। दूसरी बात, कोच का काम क्या होता है? मैन मैनेजमेंट प्लानिंग, वहां पे आप वो जाके रोहित शर्मा की विराट कोहली की टेक्निक नहीं बदल सकते हो, आप थोड़ा कुछ बता सकते हो जरूर और प्लानिंग करनी। तीसरी बात, अब जो ये सवाल उठ रहा है रवि शास्त्री पे, ठीक है, रवि शास्त्री ये सवाल क्यों उठ रहा है कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, कि फाइनल में नहीं गए, चलो ये मेरी वाली बात है, नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म है वर्ल्ड कप का, हम तो ये कह रहे हैं रिन्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, हटाने की बात नहीं हो रही है, उसी के पास उसके ऊपर आ रहा हूँ जी। जब आप सोचो, ये प्रॉब्लम हमारी यही बड़ी है कि हम खाली रिजल्ट देख के चलते, पर ये रिजल्ट क्यों आए वो नहीं देखते, ये रवि शास्त्री की गलती थी कि इस तरह की बल्लेबाजी करके हार गए मैच, कि सपोर्ट स्टाफ की गलती थी,
उनने तो बताया था, और जैसे बताया था इतने मैचेस तो जीते थे वो। अब ये एक मैच हर गए, जो राजकुमार जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ कि जाके वहां आप घोड़े को पानी तक ले जाओ, वो पानी नहीं पिए तो क्या करोगे आप। जो इनने अभी तक किया, 7 मैचेस जीते वो 9 में से या 8 में से जो कुछ, और लगातार मैचेस जीते, वो परफॉर्मेंस कहां गया। और वो एक मैच में, वो कोई कोच की गलती नहीं थी, नहीं कोई सपोर्ट स्टाफ की गलती थी, बल्लेबाज या गेंदबाज प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं करे तो आप क्या उनके लिए जाके खेल सकते हो बीच में? नहीं। मेरे वक्त यही हुआ था, जब बल्लेबाजी खराब हुई, हम क्वालिफाई नहीं किए, सचिन तेंदुलकर अनफॉर्चुनेटली नहीं थे वो मैच में जिम्बाब्वे के सामने, तो कोच को भी निकाल दिया और कप्तान को भी निकाल दिया। ये अब अजवाएगी, मैं इस बात में आया हूं सर, क्यों निकाला? सुनो, तो अभी मैं वही सोचता हूं कि क्यों निकाला, क्या कारण था कि आप क्वालिफाई नहीं किए, आज आप फाइनल में क्यों नहीं गए, क्या कारण था? वो आप देखो तो फिर आप ये भूल जाओगे कि राजीव मिश्रा की ये गलती नहीं है, राजकुमार की गलती नहीं है, निखिल की गलती नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप की सोच है। हाँ, आप आगे की सोचो कि आने वाले टाइम की सोचो, तो आप तो वर्ल्ड कप 4 साल के बाद वापस खेलोगे, उसका बिल्डअप वापस होगा जो 4 साल से होते आ रहा था, ठीक है। साथ साथ में आप टेस्ट मैचेस खेलने वाले हो, काफी सीरीज बायलैटरल सीरीज खेलोगे, उसमें आपने धमाका कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तो तुम वर्ल्ड कप में जाके क्या करोगे? चलिए, कॉन्फिडेंस आपका जारी रहेगा। सर ने बोल दिया, सर रवि सर, मैं एक सवाल मैं रितेंद्र से ले लूं, फिर आ रहा हूं, बहुत जरूरी है। रितेंद्र, अगर अंशु जी की माने तो जिस तरह से मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद वो वित्त मंत्री की गलती नहीं थी, वो मंत्रालय की नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी सामने आए, मोदी जी पे एलिगेशन लगा। अब मैं ठीक आपसे वही जानना चाह रहा हूँ, टीम हार गई है, रनबंदी हुई मैदान पे, यानी कि रन नहीं बने, अब दोष बल्लेबाजों को ना देकर अंशु जी का कहना कोच को क्यों दोष दिया जाए, बल्लेबाजों ने गलती की है। अब आप ये बताएं, किसी भी युद्ध में अगर आप जाते हैं तो सेनापति सबसे पहले पकड़ा जाता है या आप पहले सैनिकों को पकड़ लेते हैं? सीधा जवाब चाहिए आपसे। जी यार, जी बिल्कुल, जिस तरह टीम हारी है तो जो नजला है वो कप्तान पे गिरता है, कोच पे गिरता है, और ये कभी कभी अनफॉर्चुनेट भी होता है, क्योंकि जो 11 लड़के अंदर खेल रहे हैं उन पे जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोच तो बाहर से आपको समझा सकता है, आपको आइडियाज दे सकता है, बट दिस इज अ फैक्ट कि जो आइडियाज हैं, जो टीम सिलेक्शन है, उसमें कोच का पूरा हिस्सा होता है। तो यहां पे रवि शास्त्री ने अच्छा काम किया है, भारतीय टीम को कुछ बड़ी सीरीज जिताई है, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप की हार है ना, ये कहीं ना कहीं मुश्किल इसने दी है भारतीय लोगों को, क्योंकि भारत को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, टीम में दम था, और जब न्यूजीलैंड के साथ मैच डिसाइड हुआ कि सेमीफाइनल हम खेलेंगे, ऐसा लग रहा था भारत आसानी से फाइनल में प्रवेश पाएगी, ऐसा नहीं हुआ है, तो अब सवाल तो खड़े हो गए हैं। अब निखिल, आप बताएं कि जो कुछ होता है, अगर सपोज कीजिए एक युद्ध में सेना हारती है, सबसे पहले किसका नाम आता है वहां? सेनापति। सर ने जो बोला, राजू भाई ने जो बोला, बिल्कुल सही, इसमें सर को भी हटा दिया था। थोड़े एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल जरूरत है सर, हम तो कह ही रहे हैं कि रवि को आप मतलब बलि का बकरा क्यों बनाए, उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया। फिर वही बात है, काम रिन्यू होना है, सवाल वही कह रहा हूँ, रिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। सर से और राजू भाई से यही पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से रवि भाई को 4 साल टीम को तैयार करने के लिए, आप दोनों क्या उनको अगले वर्ल्ड कप में कोच देखते हैं? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल, बेटर देन अंडरस्टैंड, नहीं नहीं, यू डोंट नो हु कम एंड व्हाट। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है टीम की, मुझे लगता है नहीं निखिल की जरूरत है हमें चेंज करने की। वही तो कह रहा हूँ, 99 में आ रहे थे, सर को हटा दिया था, वो गलत बात थी, वही बताओ। चलो अभी अभी मैं हूँ, इसके लिए मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा सक्सेस रेट देख लो कोच के नाते, मैं खुद बोलता हूँ सर, 65% इतना सक्सेस है, सबसे ज्यादा हो तो निकालने की जरूरत है एक मैच के लिए। अगर आप एक मतलब ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो देखिए अच्छा करेंगे। निखिल, अगर पहले कोई गलती हुई है तो हमें जरूरी नहीं कि बीसीसीआई अब वो गलती को रिपीट करे, ऐसा सीखते हैं तो बीसीसीआई भी सीखेगा। आखिरी सवाल मैं रितेंद्र आपसे लेना चाहूंगा, हमारे यहाँ तो सहमति बन गई है, हालांकि निखिल ने 50% ही सहमति दी है अपनी, लेकिन आपके 100% इस बात के साथ है कि उनको अगले 4 साल दिए जाने चाहिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू होना चाहिए? राजीव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर सहमति हम यहाँ बनाए या ना बनाए, हाल ही में जो अब एडवर्टाइजमेंट निकली है, सो दैट इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई सोच रही है कि एक कोच नया होना चाहिए, एक नया थॉट प्रोसेस होना चाहिए।
लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कह दिया है कि रीअप्लाई जो प्रेजेंट कमेटी है भरत अरुण रवि शास्त्री वो दोबारा से एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यहां पे अब जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप वर्ल्ड कप हारे हैं, बड़ा टूर्नामेंट हारे हैं, तो आप जवाबदेही हैं देश को। अब किस तरह बीसीसीआई या सीओए इसको लेती है, क्या निर्णय लेती है, ये देखना कुछ दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, अंशु जी आपका भी, और निखिल भाई आपका भी, और राजकुमार सर आपका भी। और वाकई ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि देश में नोटबंदी के बाद अगर प्रधानमंत्री दोबारा चुना जा सकता है तो मैनचेस्टर के मैदान पर रनबंदी होने के बाद क्या कोच दोबारा चुना जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब बीसीसीआई को देना होगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।